तो दोस्तों ये खबर उनके लिए है जो विदेशों में रहते हैं, खाड़ी देशों में रहते हैं, बाकी दूसरे अलग अलग देशों में रहते हैं और इंडिया जाना चाहते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। और एक खबर पूरा देखें, हो सकता है कि आपके जानकारी लायक कुछ वीडियो, कुछ जानकारी लायक अगर इसमें से मिल जाए तो आपके लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब? दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों वीडियो होने वाला आज का बहुत ही जानकारी लायक, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए पहले वीडियो सब्सक्राइब करें भीम गुप्ता ब्लॉग चैनल को, बेल आइकन दबाएं मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत के मिशन के तहत जो पहला चरण है वो खत्म हो चुका है। उस चरण के हिसाब का जो टारगेट था वो उसमें 64 फ्लाइट चली थी और उसका जो टाइमिंग था 7 मई से 14 मई तक था, और उस बीच में 12 खाड़ी देशों से यानी 12 देशों से 14,800 आदमी बुलाए गए थे इंडिया में, और पहला चरण हो गया है पूरा। इसमें 14,800 आदमी 12 देशों से वापस आए इंडिया में। तो दोस्तों दूसरी चरण की शुरुआत होगी 16 मई यानी 16 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अभी 22 मई तक ये दूसरा चरण चलेगा। उस बीच में आपको मैं बताता हूँ दूसरे चरण में कितना फ्लाइट है इंडिया से और विदेशों से जाएंगे और किस किस जगह पे इसकी जगह पे पहुँचेंगे, तो मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो दोस्तों दूसरे चरण में जो उड़ाने हैं 149 फ्लाइट का जो इसमें है, 149 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। तो दोस्तों इसमें 30,000 आदमी को वापस लाने का टारगेट है, 30,000 आदमी यानी आएंगे विदेश से। अब चलिए जान लेते हैं कि किस किस देशों पे और कहां कहां से कितनी फ्लाइटें इंडिया में आएंगी और इंडिया से जाएंगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फ्लाइटें हैं वो अमेरिका के लिए हैं, जो 13 फ्लाइट अमेरिका से और 11 फ्लाइट जो है दुबई से इंडिया की तरफ जाएगी, और 10 जाएंगे कनाडा से यानी कनाडा से 10 फ्लाइट जाएगी इंडिया में, और सऊदी अरब से 9 फ्लाइट और यूके से 8 फ्लाइट और 8 प्रत्येक मलेशिया और ओमान से 7 फ्लाइट, कजाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से 7 फ्लाइट आएगी, 7 प्रत्येक फ्लाइट कजाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से आएंगी। और वहीं बात करें दोस्तों यूक्रेन, 6 फ्लाइट जो है यूक्रेन से और 6 फ्लाइट जो कतर से और 6 फ्लाइट इंडोनेशिया और रूस फिलिपिन से और 5 फ्लाइट जो है फ्रांस से है और सिंगापुर, आयरलैंड और किर्गिस्तान से है। दोस्तों 4 फ्लाइट है कुवैत और जापान से, 4 फ्लाइटें हैं, और 3 है जॉर्जिया, जर्मनी और तजाकिस्तान से, आर्मेनिया से और बहरीन से 2-2 फ्लाइटें उड़ाने भरेंगे। दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा थाईलैंड, इटली, बेलारूस, नाइजीरिया और बांग्लादेश, नेपाल से 1-1 फ्लाइटें उड़ाने भरेंगे इंडिया के लिए। देशों से जो भी फ्लाइटें आएंगी वो इंडिया में किस किस जगह पे, किस किस एरिया में, किस किस प्रांत में और कितनी कितनी फ्लाइटें आएंगी, और दोस्तों आपको सबसे यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में जो फ्लाइटें इंडिया में अगर आएंगी तो वो केरला में है, और केरला में उतरे 31 फ्लाइटें केरला में आएंगी, और दूसरे नंबर पर दिल्ली, 22 फ्लाइटें दिल्ली में उतरेंगी। दोस्तों 17 फ्लाइट है जो कर्नाटका के लिए हैं और 16 फ्लाइट है जो तेलंगाना के लिए हैं। दोस्तों 14 फ्लाइट गुजरात के लिए और 12 राजस्थान के लिए हैं। दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसमें 9 फ्लाइटें आएंगी और 7 पंजाब में, 6 उत्तर प्रदेश और 6 बिहार के लिए फ्लाइटें आएंगी। दोस्तों वो अगर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में 3 और 2 चंडीगढ़ और 1 जम्मू कश्मीर, जयपुर और 1 मुंबई और 1 मध्य प्रदेश में, यानी इन जगहों पे 1-1 फ्लाइटें आएंगी। तो दोस्तों वंदे भारत के दूसरे चरण में सरकार पूरी तरह से यानी ज़्यादातर फ्लाइटें चालू कर रही हैं और अलग अलग प्रांतों के लिए चालू कर रही हैं, तो इस हिसाब से 30,000 का टारगेट है, 30,000 जो विदेश में फंसे भारतीय हैं उनको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो परेशानी है और हर कोई अपने घर पे जाना चाहता है, और फ्लाइट रुकने की वजह से, आवाजाही आवागमन रुकने की वजह से, फ्लाइटें बंद होने की वजह से सब लोग एक जगह पर दूसरे जगह पर फंसे हुए हैं। तो जिनको भी परेशानी है जाना चाहता है तो दोस्तों जा सकता है। ये जो दूसरा जो चरण है 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और ये 22 मई तक चलेगा, और आप इसमें अपना टिकट आप देख सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उनकी जो इस समय जो इंडिया में छुट्टी पे गए हैं, चाहे हाउस ड्राइवर हों, चाहे किसी भी काम के माध्यम में काम करते हों सऊदी में और वो छुट्टी पे गए हों,
तो मैं ये जानकारी उनके लिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि छुट्टी खत्म हो गई है या वीजा एक्सपायर हो गया है, जैसे भी जो भी मैटर है, अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए ये खबर है। दोस्तों मैं बात करूं आपको हमारे स्क्रीन के बगल, यानी हमारे बगल में आपको स्क्रीन जो दिख रहा है इस पे एक सऊदी ने अपने ट्वीट अकाउंट से, यानी ट्वीट अकाउंट से जवजात के ट्विटर अकाउंट पे उसने ने ये सवाल किया था कि हमारा जो हाउस ड्राइवर था वो छुट्टी पे गया था और कोरोना वायरस की वजह से जो स्थगित हो गया, जो फ्लाइटें स्थगित हो गई थी उस वजह से नहीं आ पाया, तो क्या हमारा ड्राइवर अभी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इस बेवज में जो जवाजात से जो जवाब मिला है दोस्तों वो जानकारी लायक है। दोस्तों जवाजात के ट्विटर हैंडल पे इस हिसाब से जवाब आया है कि जब तक एक कोरोना का संक्रमण थोड़ा कंट्रोल नहीं हो जाता या कोई भी मैटर यानी सामने नहीं आ जाता, कोई इसका जो हल है कोई सामने नहीं आ जाता, तब तक कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि कोई भी जो आदमी छुट्टी गया है, खुरुज गया है, जैसे भी नया बीजे पे हो या छुट्टी पे हो, वो कब आएगा कब नहीं आएगा। और जैसे भी कुछ भी जानकारी अगर आगे निकलती है तो वो गवर्नमेंट का जो यानी जवाजात का जो ट्विटर हैंडल है उस पर उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो इस हिसाब से दोस्तों लगता है कि इस समय जो भी आदमी अगर इंडिया में है तो अभी उनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जब तक एक कोरोना का महामारी का जो भी मैटर चल रहा है, दौर चल रहा है, तो जब तक थोड़ा सा इसका कंट्रोल ना कर लिया जाए और जब तक इसका वैक्सीन या कुछ भी अगर हल ना निकल जाए, तब तक कोई आशा नहीं है कि जो भी छुट्टी गए हैं या जो भी नया वीजे पे आना चाहते हैं तो वहाँ पे आ पाएंगे। तो दोस्तों इतनी थी जानकारी थी जो छुट्टी गए थे उनके लिए। और बाकी दोस्तों ये सारी खबर जो न्यूज़ के हवाले से मुझे जानकारी मिली थी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी लाइक वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे आपका सपोर्ट हमें मिलेगा और इसी तरह का वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपका कुछ महत्वपूर्ण राय है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।